अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी हैरियत से हैं। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करनी है वो है तवा बर्गर। तवा बर्गर के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ, दो उबले हुए जो है मैश पोटैटो ले लिए, और एक जो है टमाटर ले लिए चॉप किया हुआ, और एक जो हरी मिर्च जो है वो चॉप की हुई, हाफ कप चेडर चीज़ और हाफ कप मोज़रेला चीज़ हमने ले लिए, साथ कुकिंग ऑयल। और उसके लिए जो स्पाइसेस चाहिएंगे, हुश धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक जो हसबे जायका, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और चिली फ्लेक्स हमें चाहिए 1/2 टीस्पून, और ज़ीरा 1 टेबल स्पून। और साथ में ले लिए हैं जो बर्गर बन होते हैं वो 4 लिए हैं। सबसे पहले एक तवा ले लेंगे मीडियम फ्लेम पे, 4 से 5 खाने के चम्मच जो है मैंने ऑयल ऐड कर लिया, इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया है, और इसको जो है गर्म करना है, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। जब खुशबू आने लगेगी तो इसमें चॉप किया हुआ हमने प्याज ऐड कर लिया है, और प्याज को अच्छी तरह से जो है इसमें मिक्स करना है। जब इसके अंदर से जो है पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें चॉप किए हुए हमने टमाटर ऐड कर लिए, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और इस तरह इसको हमने अच्छी तरह से भुनना है कि ये जो है टमाटर जो है वो बिल्कुल प्याज में मिक्स हो जाए, और साथ ही इसमें जितने भी हमारे स्पाइसेस थे ड्राई स्पाइसेस वो हमने ऐड कर लिए, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना क्योंकि इसमें टमाटर है तो टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, और इसको जो है चम्मच के साथ जो है हम ऐसे जो है मैश करते जाएंगे। साथ ही मैंने जो है उबले हुए जो आलू थे मैश्ड वो ऐड किए हैं, और जो है मसाला के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और चम्मच के साथ जो है इसको मैश करूँगी, और साथ ही इसमें जो है बारीक कुटी हुई जो हमारी हरी मिर्च है वो मैं ऐड करूँगी, और अच्छी तरह से चम्मच के साथ जो है सारी चीज़ों को, स्पाइसेस और आलू को जो है अच्छी तरह से मिक्स कर। अब जो है जो हमने मसाला बनाया है उसको तवे पे एक साइड पे हम कर देंगे। साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, और साथ जो है बर्गर बन है उनको मैं ऐसे ऑयल के ऊपर जो है ना थोड़ा सा गर्म करूँगी, उसका थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा, थोड़ा सा लाइट सा कलर इसको देना है। तो साथ ही इसकी साइड में चेंज कर लूँगी, और उसको जो है थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी। अब इसके ऊपर जो है ये जो हमने मसाला बनाया हुआ है वो ऐसे ही जो है बन का जो एक स्लाइस है उस पर मैं ऐसे स्प्रेड करूँगी, और साथ ही इसके ऊपर जो है मैंने टमाटो पेस्ट वो ऐड कर ली है, जो टमाटो केचप होती है वो मैंने ऐड की है। आप जो है चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी पसंद है। साथ ही इसमें मैंने जो है बारीक क्रश किया हुआ चेदर चीज़ ऐड किया है, साथ अब उसके साथ इस पर मोज़रेला चीज़ मैंने ऐड कर लिया है, और इसको ऊपर से दूसरे जो इसका स्लाइस है उसे कवर कर दूंगी, और उसके ऊपर भी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड की, और साथ ही चिली फ्लेक्स मैंने ऊपर स्प्रिंकल कर ली। अब इसको मैं साइड पे कर दूंगी, और जो फ्लेम है बिल्कुल आपने लो फ्लेम रखना है, बिल्कुल लो, और तवा जो है हमारा बिल्कुल हल्की आंच पे रहेगा। और साथ ही हम जो ये बर्गर बंस हैं इनकी स्टफिंग कर लेंगे, और फिर से हम इस पर मसाला ऐड करेंगे, फिर साथ ही उस पर टमाटो केचप पेस्ट जो है वो, और साथ ही उस पर चीज़ वगैरह हम ऐड कर लेंगे। ऐसे ही 1 बाय 1 जो है सारे बर्गर को मैं रेडी कर लूँगी। बहुत इजी और क्विक सी रेसिपी है, बिल्कुल आप स्ट्रीट फूड स्टाइल जो है ये फूड है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार से ये बर्गर बनते हैं, बहुत से क्विक और मज़ेदार से ये बर्गर हैं। तो चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन के बटन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस किया करें, इससे मेरे आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको साथ ही जो है मिलते रहेंगे। और ये हमारे बर्गर जो है ऐसे 2 बर्गर हमारे रेडी हो गए, ऐसे ही जो बाकी बर्गर हैं उनको भी मैं रेडी कर लूँगी, और ये हमारे मज़ेदार से तवा बर्गर हो गए रेडी। इसकी फुल रेसिपी और डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।